हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। इफ ईच स्टूडेंट हैज टेकन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर हमें दो सेट गिवन होंगे ए और बी, तो ए माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखिए, ए माइनस बी में जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो ए में प्रेजेंट होंगे बट बी में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। ठीक है, वो एलिमेंट ए के होंगे लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स। तो अगर हम लोग मैथमेटिक्स के सेट को m से डिनोट करें, तो कार्डिनल नंबर ऑफ m कितना दे रखा है? 12। आगे देखिए, दे रखा है 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। तो देखिए, उन्होंने मैथमेटिक्स तो ले रखी है लेकिन बायोलॉजी नहीं ले रखी है। तो अब कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने यहाँ लिखा था a माइनस बी, यानी कि वो a में प्रेजेंट होंगे बट b में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अगर हम इस लाइन को डिनोट करें, तो किस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। तो m माइनस b से, b यहाँ पर क्या है? बायोलॉजी का सेट है। ठीक है, तो ये कार्डिनल नंबर ऑफ m माइनस b कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, बाकी आगे दे रखा है, इफ ईच स्टूडेंट हैज टेकन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ठीक है, तो जहां पर देखिए आइदर और वाली कंडीशन आती है, तो आइदर और के लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर ए और बी दो सेट हैं, तो ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है आइदर ए और बी को। तो यहां पर देखिए सेट है हमारे पास एम और बी, और क्वेश्चन में दिया गया है इफ ईच स्टूडेंट हैज टेकन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी या तो मैथमेटिक्स ली होगी या फिर बायोलॉजी ली होगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिनोट करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ एम यूनियन बी से, और वो कितना दे रखा है? 25। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी कि हमें फाइंड करना है कार्डिनल नंबर ऑफ बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी कि बी माइनस एम। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर हमें बताना है कि स्टूडेंट हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स। अच्छा, आप देखिए कि जो कार्डिनल नंबर ऑफ एम यूनियन बी है, इसका मतलब ये कौन से लोग हैं? ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ले रखी है। मतलब या तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। अगर इसमें से हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को माइनस कर देते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स मतलब कर्नल नंबर ऑफ एम को, यानी कि यहां पर जो था वो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थे, उनमें से हमने मैथमेटिक्स के माइनस कर दिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा कर्नल नंबर ऑफ बी माइनस एम, यानी कि बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन एम यूनियन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 माइनस एन एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 इज इक्वल टू में कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस एम। देन वी गेट कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस एम इज इक्वल टू 13, यानी कि 13 स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बायोलॉजी ले रखी है बट नॉट मैथमेटिक्स। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।